गुड मॉर्निंग मेरी फ्रेंड्स, वेलकम टू द रूरल अकेडमी। और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए यूपीएससी के लिए डेली करंट अफेयर्स। यहाँ पर तो आज हमारी डेट है यहाँ पे 28 अगस्त, तो यहाँ पर आज हम बस आज का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या हमें डिस्कस करना है हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर वन है यहाँ पर, पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, यह अमेरिका के प्रतिष्ठित सैंड स्कल्पिंग फेस्टिवल के तहत प्रदान किया जाता है। सेकंड, इस वर्ष जाने माने भारतीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को इसका विजेता घोषित किया गया है। देखिए अभी पहला वाला कथन यह बिल्कुल सही है कि जाने माने भारतीय जो अभी अब हमारे यहाँ के आर्टिस्ट सैंड आर्टिस्ट हैं, यानी रेत पर प्रतिमाएं करने वाले आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, तो इन्हें अमेरिका के प्रतिष्ठित सैंड स्कल्पिंग फेस्टिवल में इन्हें पीपल्स च्वाइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है और यहाँ पे दूसरा वाला कथन भी सही है। देखिए ये जो है वो रेत पर उकेरी गई आकृति में इन्होंने समुद्रों में होने वाले प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने का एक संदेश दिया था, और मैसाचुसेट्स के बोस्टन में रिवर बीच पर आयोजित इस प्रतियोगिता में पटनायक के अलावा विश्व के 15 टॉप सैंड आर्टिस्टों ने भाग भी लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने पॉल्यूशन से संबंधित मुद्दा उठाया था, पॉल्यूशन से संबंधित इन्होंने एक कलाकृति बनाई थी रेत पर। कहाँ पर बनाई थी? यानी मैसाचुसेट्स के बोस्टन में एक रिवर है, रिवर के बीच पर बनाया था इन्होंने। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही है, तो यहाँ आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, अकाउंट एग्रीग्रेट मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताइए कौन सा कथन सही है। पहला है यहाँ पर, एक वेब आधारित अथवा API आधारित प्रणाली है जो विभिन्न प्रकार के अकाउंट जैसे बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आदि की सूचनाओं को संग्रहित करती है। सेकंड, वर्ष 2019 में रिजर्व बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर को NBFC की श्रेणी में दर्जा दिया। देखिए पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल यानी फाइनेंशियल डेटा एग्रीगेटर एक वेब आधारित अथवा API प्रणाली आधारित है जो विभिन्न प्रकार के अकाउंट जैसे बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड अकाउंट आदि की सूचनाओं को संग्रहित करती है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन गलत है यहाँ पे। देखिए वर्ष 2019 में नहीं बल्कि वर्ष 2016 में, यानी वर्ष 2016 में रिजर्व बैंक ने अकाउंट एग्रीगेट को NBFC की श्रेणी का दर्जा दिया है। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है केवल एक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है यहाँ पर, यह सफाई अभियान वर्ष 2010 में शुरू किया गया था। सेकंड है, इसका उद्देश्य सर्वव्यापी स्वच्छता के कवरेज के प्रयासों में तेजी लाना था। थर्ड है, इसके तहत वर्ष 2022 तक भारत को पूर्णतः स्वच्छ कराने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए पहला वाला कथन गलत है। ये स्वच्छ भारत अभियान जो है ये 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था ये। तो पहला वाला कथन तो गलत है। सेकंड है, देखिए स्वच्छ भारत मिशन का जो उद्देश्य है वो सर्वव्यापी स्वच्छता की कवरेज से के प्रयासों में तेजी लाना है और स्वच्छता पर बल देना है, तो सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। थर्ड है, इसके तहत 2022 तक भारत को पूर्णतः स्वच्छ कराने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए ये थर्ड वाला कथन गलत है। एक्चुअली यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर लक्ष्य ये रखा है कि गांधी जी का 150वां जो जयंती है, 150वां गांधी जी का जो बर्थडे है तो बर्थडे जो कि 2019 में पड़ रहा है, 2019 में 150वीं जो है वर्षगांठ मनेगी गांधी जी की, गांधी जयंती होगी 150वीं, तो उसमें उसके उपलक्ष्य में लक्ष्य रखा गया था कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ तक ये जो है हमारे भारत में पूर्ण स्वच्छता लाई जाए। तो इसका टारगेट 2022 नहीं बल्कि 2019 है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही है, तो आंसर है बी, केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, माइक्रो सैटेलाइट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, यह पारंपरिक रूप से बड़े उपग्रहों का छोटा संस्करण है। सेकंड है, यहां पर यह मौसम प्रणाली, फसलों और आपदा स्थलों आदि की निगरानी में कंपनी या संगठन की मदद करते हैं। थर्ड है, इनका उपयोग अनुसंधान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। माइक्रो सैटेलाइट जो है वो आकार में सामान्यतः जूते के डिब्बे जैसा एक होता है और ये पारंपरिक रूप से बड़े उपग्रहों का एक छोटा संस्करण होता है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सेकंड वाला भी यहाँ सही है कि ये मौसम प्रणाली, फसलों और आपदा स्थलों आदि की निगरानी में कंपनी या संगठन की मदद करते हैं।
तो सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड है, इनका उपयोग अनुसंधान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जा सकता है, तो ये भी सही है। देखिए, अधिकांश कंपनियां माइक्रो सैटेलाइट्स का चयन इसलिए कर रही हैं क्योंकि इनकी निर्माण लागत कम होती है और इन्हें अंतरिक्ष में भेजना भी अपेक्षाकृत आसान होता है। और वर्तमान में माइक्रो सैटेलाइट्स के मामले में जो आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, ये अपने चरम पर है। इसरो ने अच्छा खासा इसमें जो है ख्याति प्राप्त की है माइक्रो सैटेलाइट्स पहुंचाने में। पहला तो आपने देखा ही होगा 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे एक साथ, फिर उसके बाद अभी 28 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। तो इस तरह से इसरो की एक अलग ही ख्याति बनती जा रही है। अच्छा, कमेंट में ये बताना है आपको, आज का पहला प्रश्न आपका ये है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, कब इसकी इसरो की स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, यानी वर्तमान में इसके चेयरमैन या चेयरपर्सन बोलिए वो कौन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ भी आपका पहला प्रश्न है, तो यहाँ सभी कथन सही है, तो आंसर ऐसे ही यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग और अनुसंधान नीरी, ठीक है, के संदर्भ में यहां पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है यहां पर, यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक शाखा है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। सेकंड, इसका उद्देश्य देश में जलापूर्ति, सीवेज निपटान, संचारी रोगों और औद्योगिक प्रदूषण एवं व्यावसायिक रोगों पर ध्यान केंद्रित करना है। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है यहाँ पर कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान अनुसंधान संस्थान है नीरी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है। यानी कि ये जो है, ये वैज्ञानिक जो अनुसंधान परिषद की जो 38 लेबोरेटरी हैं, 38 लेबोरेटरी हैं उनमें से ये एक है, ठीक है। यानी जो आपकी टोटल जो लेबोरेटरी है वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की टोटल 38 लेबोरेटरी है, तो उनमें से ये राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान उनमें से ये एक है, ये जान लीजिए, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। तो पहला कथन तो यहाँ सही है। सेकंड है यहाँ पर, देखिए, इसका उद्देश्य जो है देश में जलापूर्ति, सीवेज निपटान, संचारी रोगों और औद्योगिक प्रदूषण एवं व्यावसायिक रोगों पर ध्यान केंद्रित करना है, तो सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड है, यह नीरी संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। देखिए, थर्ड वाला कथन गलत है, नीरी संस्थान जो है वो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, याद जान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है पहला दूसरा कथन सही है, तो आंसर है यहां पे ए, केवल एक और दो। तो देखिए, ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।